करे ट्रैवलिंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हेलो, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलिंग डॉक्टर। दोस्तों, गुजरात में करीबन 105 इको टूरिज्म कैंप साइट है। इसमें साउथ गुजरात में मेन है पदम डूंगरी और महाल। आज मैं आपको एक नए इको टूरिज्म कैंप साइट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर जाते हुए रास्ते में आपको खूबसूरत नदी, हरे भरे खेत और जंगल आएगा। सूरत से ये 90 किलोमीटर और व्यारा से 30 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, ये है आंबापानी इको टूरिज्म साइट। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आंबापानी इको टूरिज्म कैंप साइट के पार्किंग एरिया में। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या डेवलप किया हुआ है। तो चलिए जाते हैं अंदर। एंट्री फीस आपको 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पे करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग क्या है यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ पे करना है। और बहुत ही विशाल पार्किंग एरिया है यहाँ पे। कैंप साइट में अंदर जाने से पहले यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन जरूर पढ़ लें। तो वहाँ पे मेन गेट है, वहाँ से आपको इस साइड पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना है। बाद में यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बारिश के मौसम में, मतलब इको टूरिज्म साइट में आप आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि बारिश के मौसम में वीडियो लूँ, लेकिन एक्सीडेंटली बारिश चालू हो गई ऑन द वे और अभी भी चालू ही है। तो चलिए अभी जाते हैं, बारिश के मौसम में ही आंबापानी इको टूरिज्म कैंप साइट को इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको अगर रूम बुक करना है तो इसमें से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके आप रूम बुक कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन बुक करने का कोई फैसिलिटी या कोई वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे ये कॉटेज अभी बना है, अंदर का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ का चार्ज आपको 2000 रुपीज़ पर नाइट का लगेगा। पूरा वुड से बना हुआ कॉटेज है। थोड़ा आगे अंदर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये टेंट टाइप के रूम बने हुए हैं। इसमें आपको बेसिक फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, लेकिन वॉशरूम वगैरह जो है वो आपको कॉमन ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका चार्ज पर नाइट का 1000 रुपीज़ है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये कॉमन वॉशरूम है और आगे आप देखेंगे तो आपको पूर्णा नदी दिख रही होगी। तो चलिए अभी जाते हैं नीचे। वहाँ ऊपर से आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको यह कैंटीन आएगी। पहले कैंप साइट देख लेते हैं, बाद में कैंटीन में आते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन अभी बारिश की वजह से बंद है। आपको मैंने बोट भी दिखाई, बार बोट थी। देखिए बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बारिश के मौसम में भी। यहाँ पे ये रिवर साइड कॉटेजेस बने हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉटेज को अंदर से देखते हैं कैसा है। एक प्रॉपर 3-स्टार 4-स्टार होटल हो उसकी तरह से यहाँ रूम बनाया हुआ है। विंडो में से देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से। वाह दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। बाथरूम भी अच्छा है। इसका चार्ज भी 2000 रुपीज़ पर नाइट है। यहाँ पे दो कॉटेज के बीच आप शाम को बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, तो
तो ठंड में भी आप आएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मुझे तो दोस्तों तीनों रूम जो देखे उसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको पूरा अम्बापानी इको टूरिज्म कैंप साइट दिखेगा यहाँ से, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये कॉटेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे वन डे पिकनिक करने आए हैं तो आप यही सेम व्यू यहाँ से नीचे से इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ रूम में रुकना ही पड़ेगा, यहाँ से भी आपको ये व्यू दिखेगा। बारिश के मौसम में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो चलिए अभी विजिट करते हैं कैंटीन। तो दोस्तों इन्होंने इस कैंटीन का नाम बहुत ही अच्छा रखा है, वन श्री कैंटीन, मतलब परफेक्ट नाम है ये कैंटीन के लिए। आपड़े चा केटलानी? 10। अने कॉफी? 20। अने मैगी? 30। मैगी 30 बराबर। अने भजिया? 40 रुपया। अने थाली मले? 100 रुपया बराबर। जो कोई मड़े बराबर एना भी 30 बराबर। कोल्ड ड्रिंक मिली जाए ना यहाँ बराबर? ओके। तो ये है यहाँ का मेनू, आप पोस्ट करके देख सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे खाना काफी टेस्टी लगा, आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में आपको चाय और गर्मा गर्म भजिया मिल जाए तो और क्या चाहिए फिर आप। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये अम्बापानी कैंप साइट का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए और खाते रहिए।